नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं जो योगासन की बात करूंगा वो सिर्फ और महिलाओं के लिए है, वो पुरुष भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पुरुषों के लिए नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी मदर्स डे जो है वो रिसेंट में गया है और मैं ये वीडियो जो है खासकर उन सभी महिलाओं को डेडिकेटेड करना चाहता हूँ कि ये महिलाएं अगर ये योग करती हैं तो वो बहुत सारे फायदे जो है वो इस योग के ले सकती हैं। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि एक माँ जो है जब अपने नए बेबी को जन्म देती है, या हम लोग कहें कि जब जन्म देने से 9 महीने पहले तक वो अपनी कोख में अपनी बेबी को लेकर चलती है और उसका पूरा ख्याल वो रखती है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है उसमें उसका कोई भी स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं छुपा होता है। उसके लिए उसको कोई भी सैलरी नहीं चाहिए होती, कोई भी इंसेंटिव नहीं चाहिए होती, वो एक मकान को घर बना देती है। तो उसके लिए भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, या हम लोग कह सकते हैं कि डेफिनेटली आप लोगों को भी उनका ख्याल रखना चाहिए। तो इस योग के बारे में उनको पता होना चाहिए ताकि वो इन सभी फ़ायदों से वंचित ना रहे जो कि इस योग से उनको मिल सकते हैं। और बहुत सारे फायदे जो हैं आप लोगों को भी मिल सकते हैं जो कि महिलाएं नहीं हैं, जो कि एक लड़कियां हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ऐसे योग के बारे में मैं बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा। ये वो योग नहीं है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे योग तभी करें जब आप लोग फ्लैक्सिबल बन जाएं। मैं जिस योग के बारे में बात करना चाहता हूं उसका नाम सीधा सा है, उसका नाम है सीटेड फॉरवर्ड बैंड। सीटेड फॉरवर्ड बैंड कैसे करना है, इसकी आप लोगों को जो प्रैक्टिस है वो कैसे करनी है, इसका सही तरीका क्या है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, पूरा सांस बाहर निकालना है और आगे की तरफ झुकना है। जब आप लोग आगे की तरफ झुकेंगे तो आप लोगों को अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को छूना है और अपनी नाक को अपने घुटनों पर टच करना है। ये इसका सही तरीका है। और जब आप लोग 10 सेकंड तक अपनी ब्रीथ को रोक कर रखें और जब आप लोग ऊपर की ओर जाएं तब आप लोग इनहेल करें, यानी कि सांस आप लोगों को तब लेना है, और जब आप लोग नीचे की ओर जाएं तब आप लोगों को एक्सहेल करना है, यानी कि सांस को पूरा का पूरा फेफड़ों से बाहर निकाल देना है, पेट से बाहर निकाल देना है, और अपने हाथों से अपने तलवों को छू लें या अपने अंगूठों को पकड़ लें। तो ये योगासन जो है सीटेड फॉरवर्ड बैंड आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। इनके बहुत सारे फायदे जो हैं वो महिलाओं को मिल सकते हैं, महिलाओं को उन महिलाओं को भी मिल सकते हैं जो कि ऐसे योगासन से अपनी शारीरिक कमजोरियों को दूर करना चाहती हैं। सबसे पहला फ़ायदा उनको मिलता है रिलीव स्पाइनल कंप्रेशंस में। बहुत सारी महिलाओं का जब वो काम करती हैं पूरे दिन लगी रहती हैं, उसके बाद में उनकी स्पाइनल में दर्द होने लग जाता है, कमर में दर्द होने लग जाता है, रीढ़ से रिलेटेड समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं, तो उसमें ये योगासन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो हो सकता है। जो रीढ़ की जो जकड़न है, या हम लोग कहें मसल्स की जो जकड़न है, उसको आराम देने का काम जो है वो ये एक्सरसाइज या ये योगासन जो है वो कर लेता है। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे फायदे की ओर, जिसका नाम है हेल्प इन डायबिटीज़। बहुत सारी महिलाओं को डायबिटीज़ से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं, पेनक्रियास से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं, उनका जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो पूरे अंगों तक सर्कुलेट नहीं होता है, जिसे हम लोग डायबिटीज़ का नाम दे देते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ का। अगर आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसी महिलाएं हैं जो डायबिटीज़ से जूझ रही हैं तो उनको इस योगा के बारे में ज़रूर बताइए। ये योगा जो है वो रिलीफ महसूस करवा सकता है, आराम दे सकता है डायबिटीज़ के अंदर। इससे आप लोग जो हैं डायबिटीज़ को क्योर करने में भी आप लोगों को मदद मिल सकती है, यानी कि उसमें प्रिवेंशन आप लोगों को मिल जाएगा, तो राहत मिल जाएगी। ये ही बहुत बड़ी बात है कि डायबिटीज़ में राहत मिल रही है। तो डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जिसमें इंसुलिन जो है वो ख़राब रहने लग जाता है या कम होने लग जाता है, तो उसको आप लोग जो कह सकते हैं कि उसमें आप लोगों को राहत मिल सकती है। तीसरा फायदा जो है वो है बर्न योर बैली फैट। अधिकतर महिलाएं क्या करती हैं, घर पर ही काम करती हैं, पूरा दिन जो है अपने बच्चों में लगा देती हैं, अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, जिसकी वजह से बैली फैट आने लग जाता है, या हम लोग कहें मोटापा छाने लग जाता है, चर्बी लटकने लग जाती है, या जब वो 9 महीने तक अपने बेबी को अपनी कोख के अंदर रखती है तो स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो ख़राब रहने लग जाती है, और बाद में जब बच्चा जन्म दे देता है तो उनकी जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है और त्वचा लटकने लग जाती है। तो आपके लिए ही वो ऐसी करती है, अगर वो ये योगासन करती है तो वो मोटापा कम कर सकती है, बैली फैट को कम कर सकती है, और बहुत सारे फायदे जो हैं वो इस योगासन के उठा सकती है। तो दोस्तों, उन सभी को महिलाओं को ये बात ये योगासन के बारे में ज़रूर बताइए जो आप लोगों के नियरेस्ट है। और नेक्स्ट फायदा जो आप लोगों को मिलता है, यानी कि महिलाओं को मिलता है, वो है काम आवर माइंड, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है वो
वो इतना शांत महसूस करता है इस योगासन करने के बाद, उसके जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो फ्रेश महसूस करते हैं, वो जितना भी सिग्नल जो है वो बॉडी को देते हैं वो एक फ्रेश सिग्नल जो है वो देते हैं और तरोताज़ा होकर देते हैं। ऐसे नहीं कि वो पजल्ड होकर कोई देते हैं, यानी कि जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस होने लगता है, कोर्टिसोल डाउन होने लगता है, बहुत सारे चिंता वाले एंजाइटी वाले जितने भी हार्मोन है वो डाउन रहने लग जाता है, आप लोगों का मूड जो है वो ठीक रहने लग जाता है। तो माइंड को शांत करने का काम जो है वो योगासन करता है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट फायदा है इंक्रीज योर विटालिटी, यानी कि वाइटलिटी जो इम्प्रूव होती है, जो महिलाओं की जो शक्ति है, आंतरिक जो शक्ति है उसको इंक्रीज करने में भी ये योग बहुत अधिक हेल्प करता है। महिलाओं की जो शक्ति है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है, जब उनके हार्मोनल जो हैं वो अनबैलेंस हार्मोन जो है वो बैलेंस रहने लग जाते हैं, उनके चेहरे पर जब निखार आता है तब वो खुश रहती हैं, या हम लोग कहें कि जब वो अपनी फैमिली को खुश देखती हैं तब वो खुश रहती हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही उनके शरीर में देखा जाता है। तो अगर ये योगासन वो करती हैं तो उनके हार्मोन, अनबैलेंस्ड हार्मोन जो है वो बैलेंस रहने लग जाते हैं और वो खुश रहने लग जाती है, उनके जितने भी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो पॉजिटिव थॉट्स में बदलने लग जाती हैं। और मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप लोगों को ये योगासन जो है वो ज़रूर बताना चाहिए, इस योगासन के बहुत सारे फायदे आप लोगों को मिल सकते हैं। इसका नेक्स्ट फायदा आप लोगों को मिलता है हेल्प इन डेवलपिंग आवर एपेटाइट, बहुत सारी महिलाओं को भूख नहीं लगती है, भूख के चलते वो कमज़ोर हो जाती हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि एपेटाइट पर उनका कंट्रोल नहीं रहता है, बहुत सारी महिलाएं मोटी हो जाती है हार्मोन के अनबैलेंस होने की वजह से। तो अगर जिनका एपेटाइट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं तो कुछ लोग कम खाते हैं, तो वो भी जो है वो इस आसन से कंट्रोल रहना शुरू हो जाता है। तो आप लोग जो हैं ट्राई कीजिए, महिलाएं जो हैं वो ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि सभी को पता लग सके। अब मैं बताना चाहता हूं कि योगासन किनको नहीं करना चाहिए, प्लीज़ ये योगासन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है इनको भी जान लीजिए। अवॉइड इफ़ यू आर सफर फ्रॉम स्लिप डिस्क, अगर आप लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो ये योगासन बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप लोग जो हैं डोंट गो ऑल द वे डाउन इफ़ यू आर मेंस्ट्रुएटिंग एंड और प्रेग्नेंट, अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं या पीरियड्स चल रहे हैं तो भी इस आसन का उपयोग जो है वो आप लोग नहीं करें। अवॉइड ड्यूरिंग इट इफ़ यू आर मोर देन 2 months प्रेग्नेंट, अगर आप लोगों को 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं प्रेगनेंसी को तो आप लोग बिल्कुल भी ये योगासन नहीं करें। डोंट प्रैक्टिस इस योगासन का नाम है इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, डायरिया और बैक इंजरी और एबडोमिनल अल्सर, अगर आप लोगों को इन सब किसी में भी कोई समस्या है, अस्थमा है, डायरिया है या बैक इंजरी है या एबडोमिनल अल्सर है तो आप लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करें। तो प्लीज़ इन एक्सरसाइज को, ये 4 कंडीशन अगर आप लोगों में है तो ये एक्सरसाइज आप लोग नहीं करें, अदरवाइज आप लोग एक्सरसाइज करें जिससे आप लोगों को इस एक्सरसाइज के फ़ायदे मिल सके। मैं दोस्तों सिर्फ आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप लोग जितना भी ये वीडियो शेयर करेंगे उसमें महिलाओं की हेल्प हो सकेगी, और साथ ही मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग अपने व्हाट्सअप पर अभी शेयर कर दीजिए ताकि आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकें, अपनी सहेलियों की हेल्प कर सकें। और इस योगासन को करना ना भूलें, सुबह सुबह इस योगासन को 10 मिनट कर लीजिए, आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे जो है इस योगासन से जो मैंने बताए हैं वो मिल सकते हैं, और जो महिलाएँ माँ नहीं बन सकती हैं उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। धन्यवाद।